अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीना में, जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो में देख रहे हैं। तो आज मैं आपको मदीना की ज़ियारत करवाऊँगी, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सवाब की नीयत से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वक्त जो है वो मदीना में फजर का टाइम है, और हम लोग जो हैं वो फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद नबी की तरफ जा रहे हैं। तो माशाल्लाह इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि फजर का वक्त है, और मदीना की गलियों में जो है वो काफ़ी रौनक है, क्योंकि लोग जो है वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज़ के लिए। तो मदीना में जो है ना हर तरफ इसी तरह का माहौल होता है, हर वक्त लोगों की चहल पहल होती है, कोई मस्जिद की तरफ जा रहा होता है, कोई मस्जिद से आ रहा होता है। तो हम भी इस वक्त जो है वो नमाज़ के लिए मस्जिद में जा रहे हैं, और मदीना में जो है ना एक सुकून सा महसूस होता है। जब भी मदीना में दाखिल होते हैं तो दिल जो है जूम सा जाता है, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, इंसान ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया है। वाकई जो है ना सही कहते हैं, मदीना किसी जन्नत से कम नहीं है। हम लोग जो हैं वो मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, और अभी अजान होने में थोड़ा जो है वो टाइम बाकी है। तो हमने पहले जाके नवाफिल अदा किए, तहज्जुद की, उसके बाद जो है वो हमने फजर की नमाज़ जो है वो जमात के साथ अदा की। मस्जिद नबी में एक नमाज़ अदा करने का सवाब जो है वो 50,000 नमाज अदा करने के बराबर है। यानी अगर आप मस्जिद नबी में हरम शरीफ में एक नमाज अदा करते हो तो उसका सवाब आपको 50,000 नमाजों के बराबर मिलेगा। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि मस्जिद में इस वक्त कितना रश है। तो कोविड के बाद मैंने तो फर्स्ट टाइम इतना रश देखा, क्योंकि कोरोना की वजह से दूसरे ममालिक से इतने लोग नहीं आ रहे थे। 2 साल तक तो हर चीज़ मुकम्मल बंद रही है, उसके बाद अब लोगों का जो है ना वो हजूम ही नज़र आता है आपको जब भी आप मदीना की हदूद में दाखिल होते हैं। आप मदीना में जाओ या मक्का में जाओ, आपको हर तरफ अब रश ही नज़र आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं, और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी है, जहाँ पे सहाबा इकराम की जो है वो कब्रें मुबारक हैं। जब भी मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं तो यही दिल करता है कि बस यहाँ पे इंसान बैठा रहे, क्योंकि यहाँ पे आके आपको एक बहुत सुकून सा महसूस होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। यही महसूस होता है कि बस यही दुनिया है, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है। माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि लोगों का जो है वो कितना हजूम है मस्जिद में, इतना रश होने के बावजूद भी इंसान को जो है ना वो घुटन महसूस नहीं होती। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आप किसी भी जगह पर चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके इंसान को खुशी महसूस होती है। फजर की नमाज़ जो है वो हमने मस्जिद के सहन में अदा की थी, क्योंकि अंदर जो है वो हम लोग को जगह नहीं मिली थी, अंदर जगह जो है वो फुल हो चुकी थी, इसलिए हमने सहन में जो है वो फजर की नमाज़ अदा की थी। माशाल्लाह आजकल तो वैसे भी रश बहुत ज़्यादा, और आपको नमाज से 2-3 घंटे पहले आना पड़ता है। अगर आपने अंदर नमाज़ अदा करनी है तो आपको टाइम से पहले आना पड़ता है, अगर टाइम पर आएँगे तो फिर आपको सहन में जगह मिलेगी नमाज़ अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ अदा कर ली, और अब हम जो है वो रोज़ा रसूल पे जा रहे हैं सलाम पेश करने के लिए। तो देखें माशाल्लाह कितना रश है औरतों का, हमें यहाँ से निकलने में 15 से 20 मिनट जो है वो लग गए थे, क्योंकि जब जैसे ही नमाज जो है वो ख़त्म होती है और मर्द औरतें इकट्ठे मस्जिद से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो जाता है, हजूम हो जाता है, लोगों का रास्ता बिल्कुल नहीं मिलता। सऊदी अरेबिया में रहने का यही तो फ़ायदा है कि जब हम लोग का दिल करता है हम लोग जाके उम्रा अदा कर रहते हैं, मस्जिद नबी में होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग के लिए एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग यहाँ पे रह के जब दिल करता है हम लोग जो है ज़ियारात के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे रह के भी वही लोग आते हैं जिनकी नीयत होती है यहाँ पे आने की या जिनको अकीदत होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर देखे हैं जो सालों साल जो है ना उम्रा करने के लिए जाते हैं और ना ही मदीना में जाते हैं, लेकिन हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 से 3 माह के बाद जो है वो ज़रूर चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा टाइम गुजरता है तो दिल में बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है कि अब जाएँ जाके उम्रा अदा करें, मस्जिद नबी में जाएँ, नमाज़ें पढ़ें, जाके नवाफिल अदा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मत यह है कि हम लोग जब दिल करें यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर रहने का यही तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, मुझे सऊदी की यही बात सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जब चाहो जाके जो है वो उम्रा अदा करो, मदीना में जाओ। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर इंसान को एक दफ़ा अपने घर ज़रूर बुलाए,
क्योंकि वैसे तो हर इंसान को चाहत होती है, लेकिन एक दफ़ा जब इंसान यहाँ से होके चला जाता है ना, तो फिर और ज़्यादा चाहत होती है, फिर ये दिल करता है कि जल्दी से वापस जो है वो चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फजर की नमाज़ अदा कर लिया और उसके बाद जो है वो हम रोज़े रसूल पे आए थे, और यहाँ पे आके हम लोगों ने जो है नहायत अकीदत के साथ जो है वो सलाम पेश किया है। अल्लाह से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमारी अकीदतों और मोहब्बतों को जो है वो अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला सब को जो है वो अपना घर ज़रूर दिखाए ज़िंदगी में एक दफ़ा। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग जो हैं वो इस कुएं मुबारक पे आए हैं। ये वो कुआं मुबारक है जब हमारे नबी पाक इस दुनिया से जो है वो तशरीफ़ ले गए थे, यानी उनकी वफ़ात हुई थी, तो इस कुएं मुबारक के पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो गुस्ल दिया गया था। इस कुएं मुबारक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका पानी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार है। इसके अंदर से एक अजीब सी खुशबू आती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा है, और ये पानी जो है वो हर बीमारी से जो है शिफा के लिए है। तो कुआं तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन कवर किया हुआ है, इसके अंदर से उन्होंने पाइप निकाल के जो है बाहर फिल्टर लगाया हुआ है, यहाँ से आप लोग जो है वो पानी भर सकते हैं। एक तरफ औरतों की लाइन है और एक तरफ मर्दों की लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस कुआं मुबारक का पानी जो है वो पिया था, और मुझे तो इसका जायका बहुत ही जो है वो अच्छा लगा था, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पानी से। तो इस वक्त हम लोग जो है वह सैयद शहदा में मौजूद हैं। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं इसको ओहद पहाड़ कहा जाता है। ये सारा जो मैदान नीचे आप देख रहे हैं ये सारा पहाड़ ही था पहले। ये वो मैदान है जहाँ पे इस्लाम की दूसरी जंग जंगे ओहद हुई थी, जिसमें हमारे नबी पाक के चचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए थे, और इस जंग में बहुत से सहाबा कराम जो है शहीद हुए थे। इसी जंग में हमारे नबी पाक के जो है वो दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो ये सारा जो आप मैदान देख रहे हैं ये ओहद का पहाड़ है, और ये सारा ओहद का मैदान है, यानी इस जगह पे जंग ओहद हुई थी, और ये मस्जिद सैयद शहदा है। इस जंग में जो है वो सहाबा इकराम शहीद हुए थे, तो उनके नाम पे ये मस्जिद जो है वो बनाई गई है। तो इस टाइम यहाँ पे लोगों का काफ़ी हजूम है, क्योंकि लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। तो ये हज़रत हमज़ा की जो है वो कब्र मुबारक है। हज़रत हमज़ा को एक वैशी ने नेज़ा मार के शहीद किया था, और उसके बाद जो आपकी चची है यानी हज़रत सुफियान भी आपके चचा थे, और उनकी बीवी जो हिंदा जो कि पहले काफिर थी, उसने हज़रत हमज़ा का जो है ना वो कलेजा चबा दिया था। हिंदा बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन नबी पाक ने फरमाया था कि मेरी ज़िंदगी में हिंदा जो है वो मेरे सामने ना आए। तो ये बहुत ही जो है दर्दनाक एक वाक़या था, एक दर्दनाक जंग थी जिसमें बहुत से सहाबा इकराम शहीद हुए। हज़रत हमज़ा जो है वो वफात पा गए, उनको भी जो है शहीद कर दिया गया। तो ये जितने भी पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जो हैं वो जंगे ओहद के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इस सारे मैदान में जंगे ओहद हुआ था, यानी ओहद की जंग हुई थी, और ये इस्लाम की जो है दूसरी जंग थी जिसमें मुसलमानों को जो है नाकामी हुई थी, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे, और आपके चचा भी जो हैं वो शहीद हो गए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी इस जंग में जो है वो शहीद हो गए थे। हज़रत हमज़ा की जो कब्र मुबारक है उसके गिर्द इन्होंने एक बाड़ लगाई हुई है, यानी आप उसके अंदर नहीं जा सकते। तो बाकी जो है सहाबा इकराम की कब्रें हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन हज़रत हमज़ा की जो है कब्र वो दूसरी तरफ है। तो हमने जो है वो हज़रत हमज़ा की कब्र पे फातिहा हानी की, और इसके बाद हम लोग जो है वो अब मस्जिद के अंदर आ गए हैं। हमने जो है वो यहाँ पे आके दो नवाफिल अदा किए थे। ये मस्जिद सैयद शहदा है, यानी जंगे उहद में जो मुसलमान जो सहाबा इकराम शहीद हुए थे उनकी याद में ये मस्जिद जो है वो बनाई गई है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ तो इस मस्जिद में जो है दो नवाफिल ज़रूर अदा करें उन सहाबा इकराम की याद में, जिनकी बेमिसाल कुर्बानियों से इस्लाम जो है वो आज जिंदा दुनिया के हर कोने में जो है इस्लाम फैला हुआ है। तो इस मस्जिद में जो है हमने दो नवाफिल अदा किए थे। इसके बाद हम लोग जो है वो मस्जिद क़िबला तैन की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद क़िबला तैन को इसलिए क़िबला तैन कहा जाता है क्योंकि ये दो किबलों वाली मस्जिद है। पहले हमारा किबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ था, तो इसके बाद जो है मुसलमानों का किबला तब्दील होकर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम यानी खाना काबा की तरफ हो गया था। तो ये वो मस्जिद है जिसमें जो है नमाज के दौरान ही हमारे नबी पाक को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप अपना चेहरा जो है वो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ कर लें। नमाज के दौरान ही हमारे नबी पाक पे वही नाजिल हुई थी और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप अपने चेहरे को जो है वो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ कर लें, यानी खाना काबा की तरफ। तो नमाज के दौरान ही ये किबला चेंज हो गया था, इसलिए इसको मस्जिद किबला तैन यानी किबला तब्दील करने वाली मस्जिद कहा जाता है।
हम लोग जो हैं वो मस्जिद क़िबला तैन आ गए और इस टाइम जो है वो ज़ुहर की अज़ान का टाइम हो गया, तो हमने यहाँ पे जो है पहले ज़ुहर की नमाज़ अदा की, उसके बाद जो है वो दो नवाफिल अदा किए। मस्जिद क़िबला तैन में नवाफिल अदा करने का सवाब बहुत ही ज़्यादा है, दो नवाफिल अदा करने का सवाब जो है वो एक उम्रा अदा करने के बराबर है, क्योंकि ये वो मस्जिद है जिसमें मुसलमानों का क़िबला तब्दील हुआ था, इसलिए इसकी फजीलत जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और इसके सामने जो है वो खजूरों का बहुत बड़ा बाग है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके जो है वो पहले ज़ुहर की नमाज़ अदा की और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने नवाफिल अदा किए और फिर हम जो है अगली ज़ियारत की तरफ निकल गए। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश है और हमें जो है नमाज़ अदा करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि रश की वजह से मस्जिद जो है वो फुल हो चुकी थी और अंदर जो है बिल्कुल जगह नहीं थी और सेन में धूप थी, इसकी वजह से हम जो है वो काफ़ी देर खड़े रहे और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो है ज़ुहर की नमाज़ अदा की, नवाफिल अदा किए। माशाल्लाह से ये मस्जिद भी जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, जैसे कि बाकी मस्जिद है मदीना की तो सारी मस्जिद ही बहुत ही खूबसूरत हैं। हमने जो है वो ज़ुहर की नमाज़ अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद जो है हम थोड़ी देर मस्जिद में बैठे रहे, उसके बाद जो है वो हम अगली ज़्यारत के लिए गए थे। तो मदीना में जो है बहुत ज़्यादा ज़्यारात हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मस्जिद क़िबला तैन में दो नवाफिल अदा करने का सवाब एक उम्रा अदा करने के बराबर है, यानी अगर आप इस मस्जिद में दो नवाफिल अदा करते हो तो ऐसा ही है जैसा कि आपने एक उम्रा अदा किया है। तो जब भी आप लोग मदीना आएँ तो इस मस्जिद का जो है वो आप ज़रूर विज़िट करें और इसमें जो है वो नवाफिल ज़रूर अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इतनी तौफीक अता की है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और आके जो है ये ज़ियारात देखते हैं और इनमें जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको ज़िंदगी में एक दफ़ा ये ज़ियारात ज़रूर नसीब करें। आजकल माशाल्लाह बहुत रश है, पाकिस्तान से भी जो है ना बहुत से लोग आए हुए हैं उमरा करने के लिए। मस्जिद क़िबला तैन में नवाफिल अदा करने के बाद जो है वो हम लोग जो है आए थे मिकात पे। ये मदीना की मिकात है, यानी अगर आपने मदीना से मक्का जाना है उमरा करने के लिए तो फिर आप इस मिकात पे आते हैं, यहाँ पे आके आप गुसल करें, उस अहराम पहने और उसके बाद जो है वो आप उमरा के लिए जाएं। तो माशाल्लाह जो है आजकल हर तरफ रौनक है, बहुत ज़्यादा लोगों का रश है मदीना में भी और मक्का में भी। तो ये मिकात जो है वो मस्जिद नबी से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिन लोगों ने वो मदीना से और मक्का जाना उमरा अदा करने के लिए, वो इस मिकात पे आते हैं और यहाँ से जो है फिर वो अहराम पहन के मक्का के लिए जाते हैं। मदीना से मक्का जो है वो 4 से 5 घंटे का सफ़र है। तो ये मिकात जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर जो मस्जिद बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो लोग जिन उमरा अदा करना वो लोग आते हैं। उमरा अदा करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आके आप लोग पहले गुसल करें, उसके बाद जो है वो अहराम पहने। मर्द तो अहराम पहनेंगे लेकिन औरतों के लिए जो है वो लिबास की कोई पाबंदी नहीं है, बस साफ़ सुथरा और पाक लिबास हो और उसके ऊपर आप अबाया पहने अगर आप लोग पहनते हैं तो। हम लोग जो हैं वो थोड़ी देर रुके थे यहाँ पर और उसके बाद हमने इस मस्जिद में जो है वो नवाफिल अदा किए थे। इस मस्जिद में नवाफिल जो हैं दो नवाफिल अदा किए जाते हैं उमरा की नीयत से, यानी जिन लोगों ने उमरा के लिए जाना हो वो यहाँ पे आके अहराम पहनते हैं और उसके बाद दो नवाफिल अदा करते हैं और फिर जो है वो मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो हमने भी यहाँ पे जो है दो नवाफिल अदा किए थे क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है वो उमरा के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह नवाफिल हमने पढ़ लिए और अब हम लोग जो है वो मक्का जा रहे हैं उमरा अदा करने। तो ये थी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। सवाब की नीयत से जो है शेयर करना मत भूलें।